हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट इज हेल्थ, यानी कि हेल्थ क्या है और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। इस वीडियो में हमें पढ़ना है हेल्थ केयर इन इंडिया। लेट अस एग्जामिन सम एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस इन द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम। जो है आपकी बुक में दो कॉलम दिए हुए हैं और इन दोनों को हमें कंपेयर करना है, ये एग्जामिन करने के लिए कि हेल्थ कंडीशन इंडिया में क्या है, हेल्थ केयर की क्या कंडीशन है इंडिया में। जो पहला कॉलम है उसमें दिया हुआ है इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स। अप्रोक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। इंडिया जो है इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा जो है मेडिकल कॉलेजेस हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में हैं और इंडिया जो है डॉक्टर्स जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। हर साल जो है लगभग जो है 15,000 नए डॉक्टर जो हैं क्वालिफाई होते हैं, नए डॉक्टर जो है तैयार होते हैं इंडिया में। उसी के सामने नेक्स्ट जो है कॉलम, सेकेंड कॉलम में जो पहला जो है दिया हुआ है द मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज। पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर। ज़्यादातर ये जो डॉक्टर होते हैं वो अर्बन एरियाज यानी कि शहरों में सेटल होते हैं, शहरों में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और रूरल एरियाज में लोगों को काफ़ी दूर ट्रैवल करना पड़ता है इन डॉक्टर्स तक पहुंचने के लिए। द नंबर ऑफ डॉक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज मच लेस इन रूरल एरियाज। गांव की अगर बात की जाए तो पॉपुलेशन के कंपैरिजन में नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो है यानी कि डॉक्टरों की जो संख्या है वो काफ़ी कम है कंपैरिजन टू पॉपुलेशन। सेकेंड दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम में हेल्थ केयर फैसिलिटीज ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर ईयर्स। इन 1950 देयर वाज ओनली 2,717 हॉस्पिटल इन इंडिया। इन 1991 देयर वर 11,174 हॉस्पिटल्स। इन 2000 द नंबर ग्रो टू 18,218। जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है हर साल दर साल जो है वो बढ़ते जा रही है इंडिया में। 1950 में सिर्फ 2,717 जो है हॉस्पिटल थे इंडिया में, 1991 में जाकर 11,174 हॉस्पिटल्स थे और 2000 में आकर 18,218 हॉस्पिटल हो गए, यानी कि साल दर साल जो है हॉस्पिटल्स की संख्या जो है इंडिया में बढ़ती जा रही है। इसी के ऑपोजिट जो है सेकंड कॉलम में दिया हुआ है अबाउट 5 लाख पीपल्स डाई फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर। हर साल जो है टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस से जो है लगभग 5 लाख लोग जो है मर जाते हैं। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज इन डिक्रीजिंग। लगभग 5 लाख लोग जो है हर साल टीबी से मरते हैं और ये जो है आज़ादी के बाद से चला आ रहा है और अभी तक इसमें कोई कमी नहीं आई है। इसी के साथ साथ लगभग 2 मिलियन केसेस जो है वो मलेरिया के हर साल जो है हमें देखने को मिलते हैं और इसके भी केसेस में कोई कमी नहीं आ रही है। फिर जो है पहला थर्ड टॉपिक दिया हुआ है, थर्ड जो पॉइंट दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम में इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज। दे कम फ्रॉम ट्रीटमेंट इन सम हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया में हर साल जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मेडिकल टूरिस्ट आते हैं, यानी कि जो दूसरी जगहों से दूसरे कंट्रीज से लोग इंडिया में अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं और वो यहाँ पर जो है इलाज करवाते हैं क्योंकि उन्हें अपने कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया में ज़्यादा जो है सुविधा मिलती है या ज़्यादा अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नज़र आती हैं, इस वजह से आती हैं। इसी के ऑपोजिट इंडिया में क्या है, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। इंडिया में हम अभी तक सक्षम नहीं हो पाए हैं कि हर किसी को जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी जो है प्रोवाइड करवा सके। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर वाटर बॉर्न, फॉर एग्जाम्पल डायरिया, वॉर्म, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। जो है 21% जो है जितनी भी बीमारियाँ जो है लोगों को जो है ग्रसित होते हैं लोग, उसमें से 21% जो बीमारियाँ हैं वो पानी, गंदे पानी की वजह से जो है होती हैं लोगों को, जैसे डायरिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये पानी, गंदे पानी की वजह से होती है और वाटर बॉर्न डिजीज है। और इसके बावजूद जो है इंडिया में अभी भी लोगों को साफ पानी जो है अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का, पूरे वर्ल्ड में 3रे नंबर पे आता है मेडिसिन प्रोडक्शन के मामले में और
साथ ही साथ ये बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर भी है मेडिसिन का, यानी कि एक्सपोर्ट भी किया जाता है इंडिया से मेडिसिन यानी दवाएं। हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। इसके ऑपोजिट इंडिया में सिचुएशन एक और सिचुएशन है कि इंडिया में आज भी जो है आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, जितने खाने की उन्हें ज़रूरत है उतना खाना उन्हें नहीं मिलता है और वो कुपोषण के शिकार हैं, अंडर नरिश्ड हैं। In order to prevent and treat illness, we need appropriate health facilities such as health center, hospitals, laboratory for testing, ambulance service, blood bank, etc. that can be provide the required care and service that patients need. ये जितनी भी जो बीमारियाँ हैं लोगों को फैलती हैं या लोगों की जो बीमारियाँ हैं उसको ठीक करने के लिए अभी भी हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, हेल्थ सेंटर्स की, हॉस्पिटल्स की, लेबोरेटरी की ज़रूरत है टेस्ट कराने के लिए, एम्बुलेंस की, ब्लड बैंक्स की ज़रूरत है, जिस और साथ ही साथ जो है हमें पेशेंट्स को जितनी भी तरीके की सर्विसेज की ज़रूरत है वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटी वी नीड हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, क्वालिफाइड डॉक्टर एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल कैन एडवाइज, डायग्नोज, ट्रीट इलनेस। हमें ये लोग यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको अभी भी जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए हमें नर्सेज की ज़रूरत होगी, वर्कर्स की ज़रूरत होगी, डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी और दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी ज़रूरत होगी जो बीमारियों को डायग्नोज करते हैं या एडवाइस करते हैं या उनकी बीमारियों को ठीक कर सकें, ऐसे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट, दीज फैसिलिटी आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। जो है हमें मेडिसिन की और उन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है जो जो है किसी भी व्यक्ति के बीमार पड़ने पर ज़रूरत पड़ती है, जिन इक्विपमेंट्स की किसी भी पेशेंट का इलाज करने के लिए हमें जिन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो इक्विपमेंट्स और उन दवाओं की ज़रूरत है हमें और जिस इन फैसिलिटीज़ पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। India has the largest number of doctor clinics and hospitals. The country also has considerable experiences in and knowledge in running a public healthcare system. This is a system of hospital and health center run by the government. India में जो है largest number of doctor हैं, यानी कि इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में doctors हैं, clinics हैं, hospitals मौजूद हैं। India में जो है public health केयर सिस्टम जो है चलाने का भी जो है एक्सपीरियंस जो है कहा जा सकता है या कह सकते हैं कि जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है और ये जो सिस्टम है वो यानी कि जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही हेल्थ सेंटर जो चलाए जाते हैं उसे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम कहा जाता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा हेल्थ सेंटर चलाए जाते हैं। इट हैज़ एबिलिटी टू लुक एट द हेल्थ ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेज। We will go into more details on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical science whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. जो government की तरफ से जो health centers चलाए जाते हैं उन्हें public health care system कहा जाता है, क्योंकि government जो होता है ये जो health centers होते हैं ये free of cost जो है इलाज करते हैं, जिसमें ज़्यादा महंगी दवाइयाँ जो है जैसे जो public हैं जो गरीब हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट जो है क्लिनिक्स में दवा नहीं ले सकते हैं, वो ऐसे लोग जो हैं वो प्राइवेट ना जाकर के गवर्नमेंट की जो ये पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ जाते हैं और पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में क्योंकि यहाँ पे सस्ता इलाज किया जाता है और महंगी दवाएँ नहीं दी जाती हैं, सस्ती और या मुफ्त में इलाज किया जाता है, जिस वजह से ये जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसके बड़े हिस्से को जो है मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है और अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। However, the second column point out how poor the health situation in the country is. जो second column था उसमें हमें क्या पता चलता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डॉक्टर हैं, उसके बावजूद जो है आज भी इंडिया में हेल्थ सिचुएशन जो है वो बहुत ही पुअर है। With all the above positive development, we are not able to provide proper health facilities to poor. This is the paradox, something that is contrary to what we could expect. Our country has the money, knowledge and people with experience but cannot make necessary health care available to all. In this chapter we will look at some of the reason for this. जो पहला कॉलम था उसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से इंडिया में ज़्यादा डॉक्टर्स पाए जाते हैं, इन दूसरी कंट्री से भी लोग इंडिया में इलाज करवाने आते हैं क्योंकि यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, यहाँ पे मेडिसिन का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है,
इसके बावजूद जो सेकेंड कॉलम था उसे हमें क्या पता चलता है कि इन सारी एडवांसमेंट, इन सारी जो है टेक्नोलॉजीज होने के बावजूद जो है इंडिया इतना ज़्यादा आगे होने के बावजूद, इतने ज़्यादा डॉक्टर होने के बावजूद जो है इंडिया इस मामले में पीछे रह जाता है कि वो अपनी कंट्री को जितनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए उतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करा पाता है। और साथ ही साथ इंडिया में नॉलेज भी है, मनी भी है, इंडिया में लोगों के पास एक्सपीरियंस भी है, टेक्नोलॉजी है, इसके बावजूद जो हेल्थ केयर जो है, हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से इतना सारा कुछ होने के बावजूद इंडिया में डॉक्टर भी हैं, फैसिलिटीज़ भी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ लेकिन लोगों को नहीं मिल पा रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है वो हमें इस चैप्टर में आगे के वीडियोज़ में पढ़ना है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।